प्रिय छात्रों एवं सम्मानित किसान भाइयों, आजकल मेरे पास कई किसान भाइयों का फोन आया। उनकी समस्या यह है कि आम के पेड़ से जो नई पत्तियां निकल रही हैं, अभी लाल ही रह रही हैं, तभी कोई कीड़ा उनके पत्ती को कुतर दे रहा है, काट के गिरा दे रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। उन लोगों ने कहा कि आप इसका उपाय बताइए। तो आज मैं इस कीड़े के बारे में आपको बताऊंगा, इसके रोकथाम का उपाय बताऊंगा। एक किसान भाई ने फोटोग्राफ मेरे पास भेजे थे जिसमें उस कीड़े ने पत्तियों को काटा है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। आप उसे देखें और जानें कि किस तरह से वो कीड़ा, इस कीड़े का नाम मैंगो लीफ कटर है। इसका वैज्ञानिक नाम डीपोरस मैरिजिनेटस है, जिसका चित्र मैं इस वीडियो में संलग्न किया हूँ या कर रहा हूँ। आप इसे देखें और इस कीड़े को भी पहचान लें। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों, इसके द्वारा कटी हुई पत्तियों को, इसके द्वारा कटे हुए फलों को इकट्ठा कर लें और इस सबको किसी गड्ढे में गहराई में दबा दें तो इसका प्रकोप कम होगा। दूसरा उपाय मैं ये बताऊंगा आपको कि बागीचे की गर्मी में गहरी जुताई कर दें, जिससे इनका प्यूपा बाहर आ जाएगा, उसे कीड़े खा जाएंगे और गर्मी से ये मर भी जाएंगे। इसके कुछ रासायनिक उपचार भी हैं, जैसे डेल्टा मेथरीन नामक एक दवा है, उस दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर बना लें, आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता हो, और इसके रोकथाम के लिए आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, दूसरी दवा है साइपर मेथरीन, इसका 0.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलकर घोल तैयार करें जितनी आवश्यकता हो। इसका भी छिड़काव करने से इस कीड़े का प्रभाव खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, तीसरी दवा है कार्बारिल, इसका 4 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं और आप इस कीड़े से राहत पा जाएंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़कते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप छिड़काव करेंगे तो ये कीड़े उड़ करके पास के पौधों पर जाके बैठ जाते हैं, और फिर जब आपके दवा का प्रभाव कम होता है तो ये पुनः आपके पेड़ पर लौट आते हैं और इस समय ये बहुत अधिक नुकसान करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगल बगल के आसपास के जो पौधे हैं उन पर भी इस दवा का छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, इस कीड़े के रोकथाम के लिए एक और उपाय है जो आपके घर में हो सकता है। आप गाय के दूध से बने हुए मट्ठे को किसी तांबे के बर्तन में लगभग 1 सप्ताह रख दें, फिर उस मट्ठे में और पानी मिला करके यदि आप छिड़काव करें तो ये कीड़े मर जाते हैं या दूर भाग जाते हैं। ये बहुत ही सेफ है, इको फ्रेंडली है, ये वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करता है। छात्रों और किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब भी करें जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो और भी मैं इस तरह की वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करता कर सकूं। अंत में आपने मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।